प्रश्न है, निम्न श्रेणी का एनवा पद तथा एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी हमें मिली है 1 + 4x + 7x² + 10x³ + एंड सो ऑन। पहले हम एनवा पद निकालते हैं। देखो जो हमें श्रेणी मिली है वो किस प्रकार से है, 1, 4, 7, 10, ये तो एक एपी बनाते हैं समांतर श्रेणी में। यहां है एक्स की घात 0 ले लें, तो एक्स की घात 0, एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, जो एक जीपी बनाते हैं। तो दी गई श्रेणी एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम पहले 1, 4, 7, 10 इसका एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। 1, 4, 7, 10 एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्रथम पद है और डी सार्व अंतर है, तो एनवा पद हो गया 1 + n-1 × d। डी हमारा 3 हो गया, तो 3n-2, ये हमारे को क्या मिलता है, एनवा पद। यहां पर है x की घात 0 पहले पद में, फिर है दूसरे में x की घात 1, अर्थात nवें पद में एक घात कम कर दें, n-1 होगी। तो एनवा पद इसका कितना हो जाएगा, 3n-2 × x की घात n-1, ये हमारा हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ये हमारा श्रेणी का एनवा पद हो गया। योगफल को हम s मान लेते हैं, तो हमने श्रेणी का एनवा पद लिख लिया 3n-2 × x की घात n-1 है। अब हम यहां पर जो संगत जीपी है उसको देखते हैं। यहां है x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, अर्थात जो सार्व अनुपात है उस संगत जीपी का वो x के बराबर है। तो x से हम दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं, x s बराबर क्या हो जाएगा, एक x से गुणा हुआ x आ गया, उसको x वाले पद के नीचे लिखें, अर्थात एक स्टेप आगे करके लिखें, खिसका के लिखें। तो ये हो गया x प्लस यहां आ जाएगा 4x², इधर आ गया 7x³, और इस क्रम में जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x की घात n रह जाएगी, 3n-2 × x की घात n। और अब हम इन दोनों को घटा देते हैं, 1 - x × s, ये मान हो गया 1 + 3x + 3x² + 3x³ ये माइनस का हो गया 3n-2 × x की घात n, ऐसा हमें मिला। यहां है इस श्रेणी में n पद, पहली वाली में, इसमें भी है n पद, परंतु इसको हमने खिसका के लिखा है, एक पद आगे करके लिखा है। तो इस श्रेणी में कितने हो जाएंगे, इस श्रेणी में हो जाएंगे n+1 पद, एक पद बढ़ जाएगा क्योंकि एक पद हमने आगे करके लिखा था उसको। इस पद को हटा दें और इस पद को हटा दें, तो यहां से यहां तक की जो श्रेणी होगी उसमें कितने हो जाएंगे, दो पद घटा दिए, n+1 में -2 कर दिया, n-1 आ गया, ये हो गए n-1 पद। तो जो ये श्रेणी हम प्राप्त कर रहे हैं इसमें n-1 पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है। 1 + 3x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 1 + x + x², ये है n-1 पदों तक, -3n-2 × x की घात n। अब ये एक जीपी आ गई, जीपी में n पदों का योगफल सूत्र हमारा लिख लेते हैं, Sn बराबर a r की घात n-1 / r-1, और ये दूसरा सूत्र होता है 1 - r की घात n / 1 - r, दो सूत्र हैं हमारे। अब यहां मैं 1 + x इस सूत्र का प्रयोग कर लेता हूं, किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु क्योंकि मुझे यहां 1 - x दिख रहा है इसलिए मैं इसको 1 - r, और यहां पर क्योंकि सार्व अनुपात x है इसलिए मैं इस सूत्र का प्रयोग कर लेता हूं। तो मान कितना आ गया, 1 + 3x × a, अर्थात 1, 1 - x की घात n,
एन माइनस वन पदों का है तो एन माइनस वन कर दें अपॉन वन माइनस एक्स, ऐसा आ गया। ये योगफल का हमने मान निकाल लिया, माइनस तीन एन माइनस दो इंटू एक्स की घात एन। सरल किया इसको तो एस का मान क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स को दूसरे पक्ष में लाए हर में आ जाएगा प्रत्येक पद में, ये हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स। यहां कितना हो गया थ्री एक्स वन माइनस एक्स की घात एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वन माइनस एक्स पहले से है, इससे मल्टीप्लाई हुआ वन माइनस एक्स से, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया माइनस, ये हो गया तीन एन माइनस दो इंटू एक्स की घात एन अपॉन वन माइनस एक्स, और यही हमारा अभिष्ट योगफल है। प्रश्न है श्रेणी दो प्लस पांच एक्स प्लस आठ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स क्यूब एंड सो ऑन का एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए तथा इससे अनंत श्रेणी के योगफल का निगमन भी कीजिए यदि मॉडुलस एक्स लेस देन एक है। यहां हमें एस ज्ञात करना है, मान लिया योगफल एस है दो प्लस पांच एक्स श्रेणी है आठ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स क्यूब सो ऑन। तो पहले हम इसका एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहां देखो इस श्रेणी में दो पांच आठ ग्यारह ये एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं और x यहां तो हो गई x की पावर 0, फिर है x की पावर 1, फिर है x की पावर 2, फिर है x की पावर 3, ये जीपी बना रहे हैं। तो श्रेणी एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है ए जी पी है। तो इसमें हम 2 5 8 11 जो एपी है उसका एनवा पद ज्ञात करते हैं। पहले टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ये हो गया 2 प्लस इस सूत्र का प्रयोग किया पहला पद है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कितना हो गया 3, मान कितना आ गया 2 प्लस तीन एन माइनस तीन तीन एन माइनस एक, ये आ गया। जीपी में देखिए यहां है x की पावर 0, यहां है दूसरे पद में x की पावर 1 है, तो एनवे में एक पावर कम कर दें x की घात n माइनस एक होगी, तो एनवा पद मैं डायरेक्टली लिख दूं 3 एन माइनस एक इंटू एक्स की घात, इसको मिटा देते हैं और ये हो गई n माइनस वन, ये हमारी x की घात हो गई। तो जीपी जो हमारी श्रेणी है उसका एनवा पद हमने यहां पे लिख दिया। अब संगत गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात देखते हैं, स्पष्ट है कि वो x है, यहां है x की पावर 0, यहां है x की पावर 1, भाग लगाया बाद वाले पद में पहले का x अपॉन 1 अर्थात x, तो दोनों पक्षों में x से गुणा कर दिया और एक स्टेप आगे करके जैसा हमने प्रश्नों में किया है उस प्रकार से लिख दिया। तो x s तो ये आ गया, दो x से मल्टीप्लाई हुआ उसे x वाले पद के नीचे लिखा अर्थात एक स्टेप खिसका के लिख दिया, तो ये हो गया 2x, यहां कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो गया 8x क्यूब प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे x की घात n रह जाएगी 3n एन माइनस एक इंटू एक्स की घात n। दोनों श्रेणियों को अब हमें घटाना है, घटाने से 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यहां आ गया 2 प्लस 3x, 5x माइनस 2x 3x हो गया, 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसी प्रकार से ये 3x क्यूब सो ऑन, ये माइनस का हो गया 3n माइनस 1 इंटू एक्स की घात n, ऐसा हमें मिलता है। इस श्रेणी में हम पाते हैं n पद है, इसमें भी n पद है, परंतु इसमें कितने हो जाएंगे क्योंकि ये हमने एक स्टेप आगे लिख के दोनों को घटाने से प्राप्त किए, इसमें n प्लस 1 पद होंगे जो हमने ऑप्टेन किए घटाने के बाद, इसमें n प्लस 1 पद है, इस पद को हटा दिया और इसको हटा दिया, तो यहां से यहां तक की जो श्रेणी बनी उसमें n माइनस 1 पद है,
दो पद कम कर दिए तो एन माइनस वन पद होंगे। सरल करते हैं इसको तो दो प्लस तीन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन एन माइनस वन पदों तक, माइनस तीन एन माइनस एक इंटू एक्स की घात एन, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। ये एक जीपी हमने प्राप्त कर ली, जीपी में एन पदों का योगफल एस एन बराबर क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये हमारा सूत्र है। ए प्रथम पद होता है, आर सार्व अनुपात होता है। मान कितना हो गया, दो प्लस तीन एक्स ए अर्थात ए वन माइनस एक्स की घात हो गई एन माइनस वन, क्योंकि ये एन माइनस वन पदों तक का है, अपॉन वन माइनस एक्स माइनस ये एज इट इज ले लिया तीन एन माइनस एक इंटू एक्स की घात एन, वन माइनस एक्स इंटू एस ये लेफ्ट हैंड साइड में, वन माइनस एक्स का दूसरे पक्ष में ले गए वज्र गुणा किया, प्रत्येक पद में भाग लगेगा, एस का मान क्या आ गया दो अपॉन वन माइनस एक्स प्लस तीन एक्स ब्रैकेट में है वन माइनस एक्स की घात एन माइनस वन बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। यहां माइनस का तीन एन माइनस वन इंटू एक्स की घात एन अपॉन वन माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त हुआ। तो हमारा जो एन पदों का योगफल है वो कितना हो गया, दो बटे वन माइनस एक्स प्लस तीन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की घात एन माइनस वन बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस तीन एन माइनस एक इंटू एक्स की घात एन अपॉन वन माइनस एक्स, ये हमारे एन पदों का योगफल आ गया। अब हमें प्रश्न का अगला हिस्सा देखना है कि इससे अनंत श्रेणी के योगफल का भी निगमन कीजिए। अब हमें इसी से यदि ये अनंत तक हो तो योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो मैं इधर से इसको मिटाता हूं, और अब हम निगमन करते हैं अर्थात इससे निकालते हैं कि अनंत श्रेणी का योगफल क्या होगा यदि मॉडुलस एक्स लेस देन वन है। तो एस बराबर हमने ये प्राप्त किया है, इसको सरल करें तो दो बटा एक माइनस एक्स ये आ गया प्लस तीन एक्स बटा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का तीन एक्स की घात कितना हो जाएगा, एक्स की घात एन रह जाएगा। एक्स जब एक्स माइनस एन एक्स की घात एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये मान रह गया एक्स की घात एन बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस तीन एन माइनस एक अपॉन वन माइनस एक्स इंटू एक्स की घात एन, ऐसा हमें मिलता है। अब देखो यहां जब हमें अनंत तक का योगफल ज्ञात करना है और मॉडुलस x लेस देन वन है तो x की घात n क्या होगा, x की घात n टेंड्स टू जीरो, वो जीरो की ओर अग्रसर होगा। जैसे जैसे n बढ़ेगा अनंत की तरफ जाएगा तो x की घात n शून्य की तरफ अग्रसर होता जाएगा। तो ये पद तो शून्य की तरफ अग्रसर हो गया, ये हो गया शून्य की तरफ जीरो, और इसमें भी है x की घात n, ये भी हो गया जीरो की ओर अग्रसर। मान रह गया ये, इसको हम सरल कर लेते हैं, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर दो इंटू वन माइनस एक्स प्लस तीन एक्स, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। सरल किया तो दो माइनस दो एक्स प्लस तीन एक्स बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मान कितना आ गया दो प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
और ये हमारा अनंत श्रेणी का योगफल हुआ। तो n पदों का योगफल तो है ये, और यदि हमको s इन्फिनिटी ज्ञात करना है तो s इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा, अनंत तक की जो श्रेणी है उसका योगफल होगा 2 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।